अगर आप भी यूपी बोर्ड एग्जाम्स में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आप इस समय सही चैनल पर हैं। वेलकम टू एके त्रिपाठी क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th केमिस्ट्री का वो टॉपिक एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जो बोर्ड एग्जाम्स में हर साल पूछा जाता है। तो अगर आपने इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देख लिया तो ये टॉपिक आपको ज़िंदगी भर याद रहने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है विद्युत कर संचलन। दोस्तों, विद्युत कर संचलन एक प्रयोग है जिसे वैज्ञानिकों ने यह जानने के लिए किया था कि कोलाइडिंग विलयनों पर आवेश होता है या नहीं होता है, और अगर होता है तो कौन सा चार्ज होता है, यानी पॉजिटिव चार्ज होता है या निगेटिव चार्ज होता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कोलाइडिंग विलयन क्या होते हैं। वैसे तो आपने कोलाइडिंग विलयन की परिभाषा पढ़ रखी होगी, फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि कोलाइडिंग विलयन क्या होता है। देखिए, कोलाइडिंग विलयन वे विलयन होते हैं जिसमें परिक्षिप्त परावस्था के कणों का आकार 10 से 2000 एंगस्ट्रॉम के मध्य होता है। जैसे हमारे शरीर में रक्त पाया जाता है, आपने ग्लू यानी गोंद देखी होगी, वो भी कोलाइडिंग विलयन का उदाहरण है। आसान भाषा में हम लोग कह सकते हैं कि समान विलयन से हल्के गड्ढे जो विलयन होते हैं, हल्के चिपचिपे विलयन होते हैं या गड्ढे विलयन होते हैं, उन्हें कोलाइडिंग विलयन कहते हैं। तो आपको कोलाइडिंग विलयन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अपने आज के टॉपिक पे चलते हैं। देखिए, इस प्रयोग को करने के लिए वैज्ञानिकों ने सबसे पहले एक यू ट्यूब ली थी। यू ट्यूब का मतलब दोस्तों होता है यू आकार की नली। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये इसे यू आकार की नली होती है। अब इस प्रयोग को करने के लिए वैज्ञानिकों ने एक यू ट्यूब ली और उसके अंदर कोलाइडिंग विलयन डाल दिया। आप देख पा रहे होंगे ये स्काई ब्लू रंग का हमारा कोलाइडिंग विलयन पड़ा हुआ है। इसमें छोटे छोटे पार्टिकल या कण हैं। अब आगे के प्रयोग के लिए वैज्ञानिकों ने इस यू ट्यूब के सिरों पर वायर लगा दिए, यानी कैथोड और एनोड लगा दिया, या सामान्य भाषा में कहे तो उन्होंने इसका यू ट्यूब का संबंध प्लस और माइनस चार्ज यानी करंट से कर दिया। अब जब उन्होंने स्विच को ऑन किया करंट की, तो उन्होंने यह देखा वैज्ञानिकों ने कि कोलाइडिंग विलयन जो है उसमें जो कण हैं उनमें से कुछ कण माइनस की तरफ तो कुछ कण प्लस की तरफ जाने लगे। जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं कि ये लाल वाले जो पार्टिकल हैं कोलाइडिंग विलयन के, ये माइनस की तरफ जाने लगे और जो ब्लैक वाले पार्टिकल हैं वो प्लस की तरफ जाने लगे। इससे वैज्ञानिकों को यह पता चल गया कि कोलाइडिंग विलयन पर आवेश होता है, और एक प्रकार का आवेश नहीं, यानी ना कोलाइडिंग विलयन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और ना ही निगेटिव होता है, बल्कि कोलाइडिंग विलयन पर दोनों आवेश पाए जाते हैं। इस तरह से वैज्ञानिकों ने विद्युत कर संचलन का प्रयोग सफलतापूर्वक पूरा किया। ये टॉपिक हर साल बोर्ड एग्जाम्स में 3 या 5 नंबर का पूछा जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये टॉपिक आपको आसानी से याद हो गया होगा। एक बार मैं इस टॉपिक को आपको फिर से रिवीजन करा देता हूँ। इस प्रयोग को करने के लिए वैज्ञानिकों ने कोलाइडिंग विलयन लिया। कोलाइडिंग विलयन क्या होते हैं? जिनके कणों का आकार 10 से 2000 एंगस्ट्रॉम के मध्य होता है। अब यूट्यूब पर कोलाइडिंग विलयन वैज्ञानिकों ने डाल दिया, आप देख पा रहे हैं। फिर उन्होंने कैथोड और एनोड यानी माइनस और प्लस की तार लगाकर इसमें करंट को प्रवाहित किया। करंट को प्रवाहित करने पर वैज्ञानिकों ने देखा कि कोलाइडिंग विलयन पर जो छोटे छोटे पार्टिकल थे उनमें से जो, अब आप लोग सोच रहे हैं कि पार्टिकल ये लाल वाले इस साइड क्यों नहीं आए, काले वाले पार्टिकल इस साइड क्यों नहीं आए, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि हमेशा विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी कि जो प्लस वाले आवेश हैं ये रेड रंग वाले, ये माइनस की तरफ जा रहे हैं, और ये माइनस वाले यानी ब्लैक वाले प्लस की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब प्लस वाले माइनस वालों को अट्रैक्ट कर रहे हैं और माइनस वाले प्लस वाले को अट्रैक्ट कर रहे हैं। इस तरह वैज्ञानिकों को पता चल गया कि कोलाइडिंग विलयन पर दोनों प्रकार का आवेश पाया जाता है। दोस्तों, अगले वीडियो में मैं आपको उस टॉपिक को एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो आप चाहते हैं, यानी
आप जो भी इस वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे और जिस टॉपिक के ऊपर सबसे ज़्यादा कमेंट आएंगी उस पर मैं आपको वीडियो बनाने वाला हूँ। वो वीडियो एकदम ट्रेंडिंग होगा, इम्पॉर्टेंट होगा और आपको समझ में आने वाला होगा। तो सोचिए मत, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। और हाँ, अगला वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं उस टॉपिक को कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।